ये चेक करो भाई, कंट्रोलिंग यार, कंट्रोलिंग देखो इस बंदे। क्यों भाई? जब आज आपका आंखें कौन हुआ? Welcome back to our YouTube channel. तो कैसे मेरी YouTube की family, हो सब मस्त होंगे and होने भी चाहिए। So guys, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी Raptor से, और हमारे पास जो है 395 वो भी नहीं है। और guys, आप लोग को पता है, जो मेरे को Instagram में follow करके रखा है उन लोगों को पता ही है कि मैंने अपने घर पे जो है 5 दिन वाला गणेश पप्पा को लाया था। तो कल जो है गणेश विसर्जन हो चुका है, तो अपने पास जो है ना भाई, मतलब राइडिंग जैकेट भी आ गई है, प्लस जो स्टंट किट होती है ना भाई वो भी आ चुकी है, वो सब अभी घर में नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग के साथ मैंने एक ब्लॉग शेयर करी थी जो कि लिफ्ट वाली थी, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया उस ब्लॉग के। तो गाइज, अगर आप लोग को मेरी जो राइडिंग जैकेट है वो देखनी है तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर दो, मैंने स्टोरी लगा रखी है। तो गाइज चलो यार, मिलते हैं आप लोग को उस लिफ्ट वाली लड़की के पास एंड अपनी रैप्टर में। जब से मैंने गणेश पापा को विसर्जन किया है ना भाई, तब से ना मतलब एक अजीब सी होती है भाई, जब भी मैं उस रूम को देखता हूँ ना जिस रूम में हम लोग गणेश भगवान को रखे थे, तो भाई वो रूम पूरा खाली खाली सा लगता है यार। इसलिए ब्लॉग बनाने का भी सूट नहीं कर रहा था, लेकिन आज जो है मैं ब्लॉग बनाने निकल चुका हूँ अपनी रैप्टर को लेके। तो चलो गाइज, मिलते हैं आप लोग को सीधा मोटो ब्लॉग। हम लोग आ चुके हैं मोटो ब्लॉग के सेटअप पे, और इस पे लगी है ऐसी प्रोजेक्टर जो कि बहुत ज्यादा लाउड है यार, काफी ज्यादा लाउड है। आई डोंट नो GoPro अच्छे से कैप्चर कर पाती है कि नहीं कर पाती है, कि बट इतना ज्यादा लाउड है भाई कि खतरनाक यार। देख रहे हो भाई, आगे देखो बंदे मुड़ मुड़ के, बंदे तो छोड़ो आंटियां भी मुड़ मुड़ के देखेगी। देख रहे हो, पूरा डर जा रहा है भाई, काफी ज्यादा यार, जरूरत से ज्यादा लाउड है ऐसी प्रोजेक्टर। तो हम लोग इस पे कुछ ब्लॉग्स निकालेंगे तो एग्जॉस्ट है इसके साथ, उसके बाद जो है हम लोग रिमूव कर देंगे। तो अभी चल रहे हैं भाई हम लोग लिफ्ट वाली लड़की के पास, जो की आगे में ही रहती है, काफी अच्छी फ्रेंड भी बन चुकी है। तो अभी आप लोग को मिलाते हैं एंड खुद भी मिलते हैं उससे। थे उस लिफ्ट वाली लड़की का वेट, और हमारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। सब्सक्राइबर नहीं भाई, इनको हम भाई बोलते हैं। देख रहे हो भाई, इतना स्मूथली कर रहा है बंदा यार, ये चेक करो भाई, कंट्रोलिंग यार, कंट्रोलिंग देखो इस बंदे की भाई। तो गाइस ये भाई को देखो यार, देख रहे हो भाई, कौन सा चैनल है बता? तो गाइस जाके भाई को सपोर्ट कर दो एंड बहुत सारा प्यार दे दो यार, काफी अच्छा लगता है जब हम लोगों को हमारे सब्सक्राइबर मिलते हैं। तो ये चेक करो भाई, कौन आ रही है लिफ्ट वाली लड़की भाई, इधर हमको बुलाई थी मेरे को ही। तो ये लोकेशन कौन सा है? प्लीज टाइम, मेरे को लोकेशन दे के बुलाया गया था भाई यहाँ का। कौन हो आप? हाय, ये है आपका घर? इसका क्या करे, टूट गया हो? ये है आपका घर? कैसा है साउंड? पहली वाली बाइक, चलो आगे मिलके आपको बताता हूँ। हाँ ड्यूक चला रहा था भाई, वो ड्यूक ही पूछ रही है कहाँ करके। पे हम लोगों को मिल चुके थे अपने कुछ सब्सक्राइबर जो कि बहुत प्यार करते हैं भाई, मेरे को पता नहीं था इस गली में भी मेरे सब्सक्राइबर है यार। तो अभी हम लोगों ने जो है लिफ्ट वाली लड़की को पिकअप कर लिया है, इनका नाम आप लोग को तो पता ही। चलते हैं भाई एक खाली सी जगह पे एंड इसको सुनाते हैं अपनी रैप्टर की जो है फुल साउंड। अभी मेरे से पूछ रही है भाई आपकी ड्यूक 390 कहाँ है? तो भाई ड्यूक 390 जो है मेरे फ्रेंड की है, आप लोग को तो पता ही है भाई साहब। देख रहे हैं यार इसका साउंड इतना ज़्यादा लाउड है ना भाई, इतना ज़्यादा लाउड है ना। क्या हुआ? हाँ कैसे तो बैठी है ना भाई, वो डर रही है। साउंड से डर लग रहा है कि स्पीड से? स्पीड से डर लग रहा है भाई। रोकते हैं एंड पूछते हैं इनसे कि गाड़ी कैसी लगी। लगी गाड़ी आपको? क्यों? मतलब इसके कारण गंदा लगा? हाँ। और बाकी? बाकी बहुत अच्छा है, बस इसके वजह से। यार भाई सच बताओ ना यार, ये मेरे को भी जो है इरिटेट कर देती है भाई, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में चलते हो थोड़ी देर अच्छी लगती है, उसके बाद जो है पूरा कान दर्द करता है। तो इसको मैं लगे रहने दूँ कि निकाल दो? मैं तो लगे रहने दूंगा भाई, आपको आनी है आओ, नहीं आनी है नहीं आओ, बिकॉज एग्जॉस्ट हमको पसंद है। सीरियसली बहुत गंदा है गाड़ी, गाड़ी ठीक है। फिर भाई पहली बार कोई हमारी गाड़ी को बहुत गंदा बोल रहा है, तो दिल से जो है बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है यार। तो गाइस क्या बोलो, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बी सेफ एंड राइट सेफ, आज के बाद मैं आपसे नहीं मिलने वाला हूँ।
भाई ये आपको पता है मैंने क्या क्या करी करके अपनी गाड़ी खरीदी है, और इसको तुम गंदा बोल रहे हो? पता भी है कुछ कितनी मेहनत लगी थी इसको खरीदने में।